हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में हम एक कंप्रेशर लिमिटर और गेट जो DBX की तरफ से है 166XS, इसका रिव्यू, इसका सेटिंग कैसे किया जाता है और इसके कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं, आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स के साथ जानने वाले हैं। एक्चुअली ये कंप्रेशर लिमिटर गेट होता क्या है, इसको हम यूज़ कैसे करें, ये सारे चीज़ों को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक शेयर और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो के लिए जो लाइक का एम है वो है 1500 लाइक्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये है दोस्तों DBX 166XS कंप्रेशर लिमिटर गेट, और इसमें आपको तीन सेक्शंस देखने को मिलेंगे। ये इसका पहला चैनल है और इस तरह का यहाँ पे दूसरा चैनल भी है। और इस फर्स्ट चैनल में आपको पहले देखने को मिलेगा एक्सपेंडर गेट, और दूसरे सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कंप्रेशर, और यहाँ पे जो तीसरा सेक्शन है ये है लिमिटर। इन तीनों का यूज़ करके आप अपने डायनेमिक्स को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, बैकग्राउंड नॉइज़ को हटा पाएंगे, और जो डायनेमिक्स ज़्यादा ऊपर जा रहा है उसको कम भी कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको गेट सेक्शन में दो नॉब्स देखने को मिलेंगे, एक है आपका थ्रेशोल्ड और दूसरा है रिलीज। ये जो पहला नॉब है इसका यूज करके आप अपना जो डायनेमिक्स है टाइम लाइन के हिसाब से लेके जा सकते हैं। आप कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, कितना डीबी से गेट को क्लोज करना चाहते हैं, कितना डीबी से ओपन भी करना चाहते हैं, यहां से उसका आप डीबी लेवल सेट कर सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे अलग अलग डीबी में आपको यहां पे देखने को मिलेगा। आप जहां पे भी लेके इसको रखेंगे वहां से ऊपर वाला जो ऑडियो है वो आपके गेट में एंट्री करेगा, और उससे नीचे का जो ऑडियो है वो गेट क्लोज कर देगा। आप इसका रिलीज को फर्स्ट या फिर स्लो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा, इस इंडिकेटर में एक रेड नॉब है और एक ग्रीन है। जब भी गेट बंद रहेगा तो रेड इंडिकेटर चलेगा, जब भी आप उसमें कुछ ऑडियो अपने माइक्रोफोन, अगर आपने इस चैनल में माइक्रोफोन यूज किया है, जब आप यहाँ पे कुछ बोलना स्टार्ट करेंगे तो फौरन ही आपका गेट जो है वो खुल जाएगा, ग्रीन इंडिकेटर जलना स्टार्ट करेगा। इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन भी आगे देखने वाले हैं। और यहाँ पे एक SE एनेबल का बटन है, इसका यूज करके आप अपना गेट का फंक्शन को और थोड़ा सा इनहेंस कर सकते हैं। और दूसरे सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कंप्रेशर, और कंप्रेशर में आपको पहला वाला जो नॉब है थ्रेशोल्ड का देखने को मिलेगा, दूसरा वाला जो नॉब है रेशियो का देखने को मिलेगा, और यहाँ पे तीसरा वाला जो नॉब है ये आपका अटैक के लिए है, और चौथा वाला जो नॉब है ये रिलीज के लिए है। और यहाँ पे कंप्रेशर का आउटपुट गेन का एक नॉब देखने को आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर लेवल देखने को मिलेगा, और सेम उसी तरह से यहाँ पे भी तीन इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं तो ग्रीन इंडिकेटर जल के रहेगा, जैसे ही आप कुछ बोलते हैं और इसके लिमिट के अंदर रह के बोलते हैं तो येलो इंडिकेटर जलेगा। अगर आप लेवल से ऊपर जाके बोल रहे हैं या फिर गा रहे हैं तो रेड इंडिकेटर जलेगा। इसका भी डीबी लेवल आप सेट कर सकते हैं, कितना डीबी तक आप लेना चाहते हैं और कितना डीबी आप कंप्रेस करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका रेशियो, रेशियो का यूज़ करके आप कंप्रेशर फीचर को कितने में कितना रेशियो तक लेके जाना चाहते हैं। इसका जो रेशियो लेवल है वो अलग अलग काम के हिसाब से आप उसका रेशियो लेवल सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका अटैक और रिलीज, इसका भी आप मैनुअली सेट कर सकते हैं, आप कितने में अटैक करना चाहते हैं और कितने में रिलीज करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपको एक अटैक रिलीज का एक ऑटोमेटिक बटन देखने को मिलेगा, जिसका यूज़ करके आप इसको ऑटो में भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक ओवर ईजी का बटन मिलेगा, इसका भी यूज़ करके आप थोड़ा सा कंप्रेशर फीचर को इन्हेंस कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका गेन लेवल है, आप जो भी गेन लेवल सेट कर रहे हैं उसके बाद आप अगर चाहें, आपको अगर कम गेन लेवल मिल रहा है तो आप यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। लिमिटर आप जहाँ पे रखेंगे वहाँ से ऊपर वाला जो पार्ट है वो उसको डायरेक्टली कट कर देगा। आप यहाँ से सोचिए, अगर आपने ज़्यादा गेन चढ़ा लिया तो जितने में आप लिमिटर का लेबल सेट किए हैं उसके ऊपर का जो भी गेन लेबल रहेगा वो ये उसको कट कर देगा। सो चलिए इसके बारे में ये किस तरह से काम करता है इसके बारे में डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम में हम डिटेल में जानते हैं। और तो चलिए इसका कनेक्शंस वगैरह कैसे होता है इसके बारे में जान लेते हैं।
एक लाइव साउंड मिक्सर में आपको एक स्लॉट देखने को मिल जाएगा हर एक चैनल में, इंसर्ट का फीचर। इंसर्ट का एक सेपरेटली मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, आप अगर चाहें वो वीडियो चैनल में एक बार चेक कर सकते हैं। इंसर्ट का फीचर क्या होता है, आपका जो इनपुट होता है, सोचिए आपने माइक इनपुट लिया, वहाँ पे एक पार्ट होता है, अगर आप इस स्लॉट में कुछ भी इनपुट नहीं करते तो वो डायरेक्टली इस चैनल में एंट्री कर जाता है। अगर आप इस स्लॉट में कोई भी इक्विपमेंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से एंट्री होने के बाद वो डायरेक्टली सेंड हो जाएगा वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट को, देन वहाँ से जब आउटपुट आएगा तो रिटर्न में फिर यहाँ पे एंट्री कर जाएगा और इस चैनल में आ जाएगा। सो इसको कनेक्शन करने के लिए आपको एक इंसर्ट केबल चाहिए इस टाइप का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसका एक साइड में आपको इस तरह का TRS देखने को मिलेगा। आपके लाइव मिक्सर का इंसर्ट वाला जो पार्ट है उसमें इंसर्ट कर देना है और नेक्स्ट आपको दूसरे साइड में दो TS जैक्स देखने को मिलेंगे। एक कनेक्टेड होगा आपका जो TRS है उसका टिप के साथ जो इनपुट के लिए जाएगा, और दूसरा जो है वो रिंग के साथ कनेक्टेड होगा जिसको आप आउटपुट के लिए लेंगे। सो अगर मैं इसको इंसर्ट में डाल रहा हूँ, अगर मेरा ये वाला टिप के साथ कनेक्टेड है तो मैं DBX 166 XS का इनपुट में इसको डालूंगा और इसको मैं आउटपुट में डालूंगा। तो चलिए इसको हम कनेक्शन कर लेते हैं। सो ये मेरा मिक्सर की साइड का हो गया। सो ये वाला जो है ये मेरा इनपुट के लिए है और ये आउटपुट के लिए है, तो इसको पहले हम इनपुट में डाल देते हैं और यहाँ पे हमने इसको इनपुट में डाल दिया और यहाँ पे हमने आउटपुट में डाल दिया। तो इस तरह से कुछ कनेक्शन करना होगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्टली TS to TS कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको एक स्लॉट भी देखने को मिलेगी और इसके बैक साइड जो है इसमें आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, XLR में इनपुट आउटपुट और TS में इनपुट आउटपुट और यहाँ पे एक TRS इनपुट आउटपुट देखने को मिलेगा। इससे पहले कि हम गेट कंप्रेशर लिमिटर के बारे में जानें, हमें पहले जानना होगा डायनेमिक्स क्या होता है। डायनेमिक्स आपका जो भी इनपुट आपके लाइव साउंड मिक्सर में आ रहा है उसका एक डिजिटल फॉर्म आप बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो ऑडियो मैंने कैप्चर किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे, ये डिजिटल फॉर्म में कुछ इस टाइप का ये दिखता है। यहाँ पे बहुत सारे पिक पार्ट्स भी होते हैं और कुछ डाउन पार्ट्स भी होते हैं। सोचिए आपने गेट में -20 dB का थ्रेशोल्ड लगाया है जिससे गेट जो है 20 dB से नीचे की जो भी डायनेमिक्स है उसको रिजेक्ट करता जाएगा। तो यहाँ पे अगर सोचिए यहाँ पे मेरा जो वर्ड है, सोचिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे मेरा एंड हुआ और यहाँ पे जो है वो 20 dB से नीचे की जो डायनेमिक्स है यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, जो कि रूम एनवायरनमेंट में जो नॉइज़ होती है उस टाइप का नॉइज़ यहाँ पे, सोचिए यहाँ पे नॉइज़ है। तो इस नॉइज़ को आपका जो गेट है, जैसे ही आपका वर्ड यहाँ पे ख़त्म होगा तो आपका गेट जो है यहाँ से जो पार्ट है जहाँ तक आपका वर्ड फिर से स्टार्ट नहीं हो रहा उस पार्ट तक वो क्लोज कर देगा। आपकी ऑडियो में एक म्यूट टाइप का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप फिर से बोलना चालू करेंगे तो वहाँ पे फिर गेट खुल जाएगा। इसका थ्रेशोल्ड के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितना डीबी माइनस में डायनेमिक्स चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो इसके हिसाब से आपका गेट काम करता है। और गेट का काम जो है वो टाइमलाइन के हिसाब से होता है। सोचिए आपने यहाँ से यहाँ तक -20 dB से ऊपर, अगर मैंने -20 dB में थ्रेशोल्ड सेट किया है तो -20 dB से ऊपर की जो डायनेमिक्स अगर आ रहे हैं तो आपका गेट जो है वो बंद नहीं होगा। जैसे ही 20 dB से कम स्टार्ट होगी तो उस टाइम में गेट आपका क्लोज हो जाएगा और बैकग्राउंड के जो नॉइज़ वगैरह हैं वो एलिमिनेट हो जाएगी। अभी हम जानते हैं कंप्रेशर के बारे में। कंप्रेशर में क्या होता है, कहीं पे आपका डायनेमिक्स बहुत कम रहता है और कहीं पे आपका डायनेमिक्स जो है वो ऊपर चला जाता है। तो कंप्रेशर का यूज़ करके आप दोनों डायनेमिक्स को एक समान रख सकते हैं। सोचिए यहाँ पे आपका पिक लेवल पे जा रहा है अगर डायनेमिक्स, तो उसको एक समान आप कर सकते हैं। लाइक
यहाँ पे जैसे मैंने कंप्रेस किया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे जो भी डायनामिक्स ऊपर जा रहे हैं और जो भी नीचे रह रहा है वो एक समान आपको देखने को मिलेगा। और कंप्रेशन में अगर कुछ पार्ट बहुत ऊपर भाग रहा है तो वो उस पार्ट को थोड़ा सा कम कर देगा, लेकिन उसको कट नहीं करेगा। लेकिन लिमिटर में क्या होता है, सोचिए यहाँ पे मेरा डायनामिक्स जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया है, तो जहाँ पे भी आप उसका डेसिबल लेवल सेट करेंगे, सोचिए आप 0 dB में सेट करें और आपका 0 dB जो है वो यहाँ पे है, तो यहाँ से ऊपर का जो भी डायनामिक्स है वो उसको डायरेक्टली कट कर देता है। तो लिमिटर मेरे ख्याल से उतना अच्छा फीचर नहीं है, आप उसको बस नॉमिनल के हिसाब से चाहें तो प्लस 4 dB, 5 dB, 6 dB तक रख सकते हैं, ताकि कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो उस टाइम में ही वो उसको भले कट करें चलेगा, लेकिन जो बहुत ही यूज़फुल डायनेमिक्स है उनको वो कट ना करें। तो इससे अच्छा है हम उसको कंप्रेस करें ताकि हमारा जो लेबल है वो एक समान मेंटेन रहे। तो चलिए आगे चल के हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। हेलो, चेक चेक वन, चेक चेक वन, हेलो चेक चेक वन, सो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने अभी इसका ओवरेजी को भी बंद कर देते हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चेक, अभी इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने अभी फ़िलहाल गेट को ऑन नहीं रखा है, और यहाँ पे जो ये ग्रीन सिग्नल जल रहा है क्योंकि ये गेट खुला हुआ है। अभी जब गेट बंद हो जाएगा तो ये रेड इंडिकेटर जलना स्टार्ट करेगा, और जब भी आप बोलेंगे उस टाइम में आपका गेट खोलेगा। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने फ़िलहाल अभी इस रूम का जो फैंस वगैरह है इसको चला के रखा है, ताकि आपको डिटेल में पता चल सके कि ये किस तरह से काम करता है। सो गेट का फीचर पहले जान लेते हैं। गेट का फीचर जानने के लिए यहाँ पे हमें देखना होगा, अभी जब गेट पूरी तरह से खुला हुआ है तो उस टाइम में हमारा जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो बहुत ही डिटेल के साथ ये उठा रहा है, लेकिन गेट का यूज़ करके आप पर्टिकुलर चैनल को जब आप बोल नहीं रहे हैं तो उस पर्टिकुलर चैनल को यहाँ से आप म्यूट भी कर सकते हैं लाइक दिस। अभी ये पूरी तरह से बंद हो गया है मेरा बोलने का पहला वाला पार्ट जो है, और जब भी मैं बोलता हूँ उसके बाद वाला पार्ट बिल्कुल म्यूट हो चुका है। और इसका जो रिलीज़ है इसको आप चाहें तो फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका थोड़ा सा कुछ एरिया कट हो जाएगा। तो इसको एक लेवल पे रखिए, और अगर आप चाहें तो इसको फास्ट कर सकते हैं और इसको भी, लेकिन अगर आप ज़्यादा फास्ट कर लेंगे तो थोड़ा सा हार्शनेस आपको सुनने को मिलेगा। एक लेबल सेट कीजिए आपका बैकग्राउंड एनवायरनमेंट के हिसाब से, वही लेबल पे उसको लेके रखिए, और मेरे ख्याल से यहाँ पे रखने से ही सही है। नहीं तो क्या होगा, आपका ऑडियो का अगर कुछ पार्ट बहुत ही ज़्यादा लोअर सेंसिटिव है, आप अगर माइक्रोफोन में बोलते हैं लाइक इस्क इस्क, तो उस टाइम में इस्क का इस और ये दोनों पार्ट आपको इस ऑडियो में गायब होते दिखाई देंगे अगर आप इसको ज़्यादा खोल लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते होंगे, यहाँ पे मैं इस्क बोलने की कोशिश करूँगा, इस्क 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 इस्क। सो उसको एक ऐसा लेवल पे लेके रखिए जहाँ पे आपका सेंसिटिविटी कम ना पड़े माइक्रोफोन के लिए। अगर कुछ लो एंड सेंसिटिव पार्ट है आपके ऑडियो में जो वोकलिस्ट सिंगिंग कर रहा है, जैसे एस एस हो गया, स, स, ये वाला जो पार्ट है, तो नहीं तो वो मिस हो जाएगा। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, सो इसमें से कुछ पार्ट आपको कट होके मिल रहे हैं, तो उसको एक लेवल पे सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो आपका जो हायर सेंसिटिव पार्ट और लोअर सेंसिटिव पार्ट जो आप बोल रहे हैं वो ऑडियो प्रॉपर्ली आपके माइक्रोफोन में आ पाए। बाकी उसके अलावा जो बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह है
वो अच्छे से एलिमिनेट हो जाए। आपके पास में अगर कोई सिंगर खड़ा होके गा रहा है, सोचिए कोई कोरस है, तो उसका वाला पार्ट आपके माइक्रोफोन में ना आए। कभी कभार क्या होता है, जब एक मेन लीड सिंगर गाना गाने के बाद अगर वो अपना फ़ोन माइक्रोफोन को म्यूट नहीं करता, तो कोरस वाला जो पार्ट है उसमें भी एंट्री करना स्टार्ट करता है। सो इस फीचर का यूज़ करके आप अपने कोरस वाला जो पार्ट है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे किक ड्रम, स्नेयर, इन केसेस में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर अपने किक माइक में स्नेयर का कुछ पार्ट आ रहा है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं इसका यूज़ करके। और उसके बाद हम जान लेते हैं कंप्रेशर के बारे में। कंप्रेशर यहाँ पे इसका थ्रेशोल्ड है। जब तक आपका जो ऑडियो लेवल है, कंप्रेशर का जो लेवल पे आप थ्रेशोल्ड सेट कर रहे हैं उस लेवल तक अगर नहीं पहुँचता, तो उस टाइम तक आपका कंप्रेशर एक्टिवेट नहीं होगा। आप कैसे जानेंगे कि आपका कंप्रेशर एक्टिवेट हुआ है कि नहीं? अगर आपका जो ये इंडिकेटर है ये अभी नॉर्मल सिग्नल में चल रहा है, तो ग्रीन इंडिकेटर यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे जैसे आप उस अपने माइक्रोफोन में बोलने का लेवल और यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड आपने सेट किया है उन दोनों लेवल को एक जगह पे लेके जाएंगे, तो आप नोटिस करेंगे जो भी पार्ट आपका वो लेवल से ऊपर जा रहा है, तो उस टाइम में आपका ये रेड इंडिकेटर जलना स्टार्ट करेगा। इसको अगर मैं नीचे करता हूँ तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि ये फ़ौरन ही एक्टिवेट हो रहा है। अभी अगर मैं ज़ोर से भी बोलने की कोशिश करूँ तब भी ये उसको कंप्रेस कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ, अगर मैं ज़ोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी मेरा ऑडियो जो है वो ऊपर जा रहा है, 0 dB तक मैं पहुँच सकता हूँ। अभी तक मेरा जो ऑडियो है वो 0 dB टच नहीं किया है, सो इस वजह से यहाँ पर रेड लाइट नहीं आया है। अभी 0 dB तक मेरा जो इनपुट सेंसिटिविटी है वो पहुंच नहीं रहा है, तो अभी मैं ऊपर भी जा सकता हूं, लेकिन जैसे ही मैं यहां से थोड़ा सा इसको -20 dB पे लेके आता हूं, अगर मैं ऊपर जाने की भी कोशिश करूं तब भी मेरा जो लेवल है वो इसी लेवल पे रहेगा। और कंप्रेशर का जो यूज़ है, आपका जो भी डायनेमिक्स ऊपर भाग रही है उसको एक ही लेवल पर आप उसको ला सकते हैं। कंप्रेशर और लिमिटर जो है दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। कंप्रेशर में क्या है, आप कोई भी डायनेमिक्स अगर बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो उसको आप एक लेवल पे ला सकते हैं। और लिमिटर में क्या होता है, अगर आपका जहाँ पे आपने लिमिटर का डेसिबल लेवल सेट किया हुआ है, अगर उससे ऊपर कोई भी डायनेमिक्स जा रही है तो वहीं से वो उस डायनेमिक को कट कर देता है। कंप्रेशर में आपका ऑडियो क्वालिटी काफ़ी स्मूथ पंची सुनने को मिलेगा, लेकिन अगर आप लिमिटर का लेवल ज़्यादा दबा के रखते हैं तो उस टाइम में आपका कुछ पार्ट भी कट हो जाता है। अभी रेशियो के बारे में जान लेते हैं। रेशियो यहाँ पे आप देखेंगे 1:3.1, 2:1, 4:1, इस तरह से बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं। इसको हम कैसे जानें? अगर सोचिए आपको 2:1 में रखना है, तो मीन्स सोचिए आप 2 dB ऊपर जा रहे हैं तो 1 dB आपका कंप्रेश होगा। अगर इसको आप यहाँ पर रखते हैं, अगर आप 4 dB ऊपर जा रहे हैं तो 1 dB आपका कंप्रेश होगा। मीन्स 4 भाग में से एक भाग, यहाँ पे 2 भाग में से एक भाग, इस तरह से अलग अलग रखे गए हैं। अगर आप वोकलिस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप 2:1 में रखिए। अगर आप स्पीच वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम में आप 4:1 में रख सकते हैं, या फिर इसके अंदर का जो भी आपको लगे प्रॉपर आ रहा है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। ओवर इजी अगर आप प्रेस करते हैं तो आपका कंप्रेश होने से पहले थोड़ा सा आपका वो डायनेमिक्स को वो एक समान करने की पहले कोशिश करेगा, देन आपका कंप्रेशर लेवल तक जाएगा। अगर आप उस लेवल को रीच करते हैं, लाइक ये रेड इंडिकेटर अगर आप टच करते हैं, तो उस टाइम में आपका कंप्रेशर एक्टिवेट होगा। यहाँ पे इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ज़ोर से बोलने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि डायनेमिक्स जो है वो उस लेवल तक पहुँच पाए, ताकि आपको प्रॉपरली इसके बारे में आइडिया हो। अभी मैं थोड़ा सा और इसमें गेन डाल देता हूँ। अगर इसको आप चाहें तो और थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हैं, ओवर ईजी अगर आप ना करना चाहें, लेकिन ओवर ईजी करने से थोड़ा सा स्मूथनेस आपको मिलता है। उसके साथ साथ कुछ पार्ट भी थोड़े से मिसिंग भी लगते हैं। आप अगर चाहें तो ओवर ईजी को बंद भी कर सकते हैं,
और यहाँ पे इसका अटैक और रिलीज करना ऑफ है। आप अटैक मतलब आपका जो डायनेमिक्स है, आप जो वर्ड बोल रहे हैं अगर वो इस लेवल से ऊपर जा रहा है तो कहाँ पे ये अटैक करे, कंप्रेस करना स्टार्ट करे, और रिलीज मतलब आपका वर्ड जब ख़त्म हो कौन से टाइम से ये रिलीज करे। यहाँ पे आप अटैक और रिलीज को फास्ट या स्लो भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे एक ऑटो का बटन दिया जाता है, आप अगर ऑटो में भी उसको छोड़ दें तो मेरे ख्याल से वो भी अच्छा रह सकता है आपके लिए। वो ऑटोमेटिकली ये जो इक्विपमेंट है इन दोनों फंक्शन को ऑटोमेटिकली वो उसके ऊपर काम करता रहेगा। और यहाँ पे आपको एक गेन लेबल देखने को मिलेगा ऑल ओवर। यहाँ से जो गेन लेबल अगर आपको कम पड़ रहा है, तो अगर आपको यूनिटी गेन में नहीं पहुँच रहा है यहाँ से अगर आपने कंप्रेस करने के बाद, तो थोड़ा सा यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पे जो लिमिट है, लिमिट में आपका लेबल आप सेट कर सकते हैं। जैसे ही वो लिमिट को टच करेगा यहाँ पे एक इंडिकेटर जलना स्टार्ट होगा। अभी फ़िलहाल ये कंप्रेस और गेट के थ्रू होके आ गया है, तो यहाँ पे वो लेबल पर मतलब 0 dB तक ये नहीं पहुँचा है, इस वजह से यहाँ पे ये लिमिट का इंडिकेटर जल नहीं रहा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और थोड़ा सा गेन पुश करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिमिट इंडिकेटर भी जलना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ पार्ट मेरा कट होके भी मिलेंगे जो भी डायनेमिक्स बहुत ज़्यादा 0 dB से ऊपर जाएंगे। जैसे मैंने इसको 0 dB में सेट किया हुआ है। और यहाँ पे एक बाईपास का बटन होता है, ये मतलब बाईपास होने के बाद ये किस तरह का ऑडियो, पहले हमारा जो ऑडियो था किस तरह का था और अभी ये कंप्रेस होने के बाद किस तरह का हमें सुनने को मिल रहा है, अब यहाँ से जान सकते हैं। अभी ये बाईपास है, आप नोटिस कर सकते होंगे यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी कैसी थी और यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी सुनने को मिल रही है। सेम इसी तरह का आपका दूसरा चैनल भी है और आप उस तरह से भी सेटिंग्स कर सकते हैं। एक स्टीरियो कपल भी है, आप अगर चाहें सेम इनपुट को दूसरे चैनल के लिए भी सेंड कर सकते हैं।